अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अपना आपा खो बैठा है। यही वजह है कि भारत में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान लगातार नई चालें चल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि भारतीय फौज भी तैयार है उसके नापाक मंसूबों को मिटाने के लिए, जो देश के खिलाफ साजिश रचेगा। भारतीय जवानों की मुश्तैदी की ही ये बानगी है, ये असर है कि घाटी में पाकिस्तान से आए दो आतंकवादियों को धर दबोचा गया, जिसके बाद उन आतंकवादियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, खुलासे जो पाकिस्तान को करते हैं दुनिया के सामने बेनकाब। पाकिस्तान की नापाक साजिश बेनकाब, घाटी को दहलाने की थी साजिश, सेना ने दो आतंकवादियों को धर दबोचा, आतंकियों का कबूलनामा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया है। सेना ने उन दो आतंकियों को पेश किया है जिन्हें घुसपैठ के दौरान कश्मीर में पकड़ा गया। सेना ने कश्मीर से जिन दो आतंकियों को पकड़ा है उनका वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उनका कबूलनामा है। उसने भी एक ही दिन काम शुरू किया हमें ट्रेनर का, 3-4-5 साल हो गए हमें दोनों। और उसके बाद हमने अगर प्लानिंग बढ़ाई है कि हम बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे और आगे दोनों मुजाहिदीन और दूसरे मुजाहिदीन बाद में फौज वो भी उनके साथ तैयार थे 3-4, और उनका नाम ही मैं बताना चाहता हूँ, बाजार शबीर, बाजार नायक आसम और सिपाही खलील और उसके साथी जो है, मेरे साथी जो है वो है नूर से नदीर शोएब और उसके साथी जो है। ये उस आतंकवादी का कबूलनामा है जो घाटी में दहशत फैलाने के मकसद से दाखिल हुआ था। आतंकी साफ साफ बता रहा है कि वो पाकिस्तान के रावलपिंडी से है। आतंकी संगठन लश्करे तैयबा से तालीम हासिल कर वो भारत में दाखिल हुआ। उसका मकसद था घाटी के अमन चैन को बर्बाद करना। कश्मीर में दहशत फैलाने आए थे दोनों आतंकी, रावलपिंडी के रहने वाले हैं दोनों आतंकवादी। हमले के लिए 7 आतंकियों के ग्रुप को तैयार किया गया था। ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश थी। पाकिस्तानी सेना ने की इन आतंकवादियों की मदद। आतंकियों ने कबूल किया कि लश्करे तैयबा से जुड़े हैं। एक आतंकी से सेना के अधिकारी ने पूछा चाय कैसी लगी। इस पर आतंकी ने कहा चाय बहुत अच्छी है। अपने कबूलनामे में आतंकी साफ साफ जिक्र कर रहा है पाकिस्तान की सेना का। पाक की पूरी पोल खोलते हुए ये आतंकी बता रहा है कि कैसे भारत में दाखिल होने के लिए पाकिस्तानी सेना ने उसकी मदद की है। आतंकी साफ साफ बता रहा है कि वो अकेला नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का छोटा हिस्सा है। मेरा नाम मोहम्मद हमने मिलकर हमला और घुसपैठ करना था। मेरे साथ पाकिस्तान फौज के नायक आसिफ खालदार जमीर भी शामिल थे। मैं और खलील पकड़े गए। आप भी काजरबान में 10-15 बजाय पाक आर्मी की मदद से हिंदुस्तान में घुसपैठ और हमले की फिराक में हैं।
पकड़ा गया दूसरा आतंकी नजीर अपने कबूलनामे में खुद को मुजाहिदीन बता रहा है। ये आतंकी भी रावलपिंडी से ताल्लुक रखता है। नजीम अपने कबूलनामे में पाकिस्तानी सेना के उन नामों का भी जिक्र कर रहा है जो भारत में दहशत फैलाने के लिए उसकी मदद कर रहे थे। आतंकवादियों के कबूलनामे के बाद घाटी में पाकिस्तान की नापाक साजिश अब बेनकाब हो गई है। सेना ने दोनों आतंकवादियों को पकड़ा है जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए किसी साजिश को अंजाम देने आए थे। एक तरफ जहां पाकिस्तान पर FATF की तरफ से ब्लैक लिस्ट होने की तलवार लटक रही है, वहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। POK में भारत के खिलाफ आतंकी साजिश के लिए पाक सेना की मदद से टेरर कैंपों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका सच अब दुनिया के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो सरहद पे सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, मुस्तैद हैं, सतर्क हैं, लेकिन जाते जाते हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि हम भी मदद कर सकते हैं, रहकर हाई अलर्ट। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/ABP गंगा। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/